बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सोनाली और हम पहले भी बात कर चुके हैं इस टॉपिक पर और उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया है, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको मिल जाए, उसका आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे वीडियो के बारे में तो आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं एक सच बुलवाने वाली मेडिसिन, जिसके पे मैंने पहले ही वीडियो बनाया था जो कि लगभग नाइन मंथ पुराना वीडियो है। और इस पर आज हम फिर से बात करेंगे क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड आई, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका हम उस वीडियो में आंसर नहीं दे पाए थे क्योंकि लास्ट में मेडिसिन बताई थी और स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे जिससे आप समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान जो है वो आपसे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। साथ में अगर आपको ये देखने हैं कि वो क्या तरीके हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, चैनल के बाद आपको उसका लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम कि वो क्या क्या उस मेडिसिन के बारे में जिससे आप देख के किसी के अंदर का ग्रीफ या किसी के अंदर कोई पुरानी बातें जो हैं वो छुपी हुई हैं उसे बाहर निकाल सकते हैं और वो बुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किसी से भी ऐसे सच नहीं उगलवाया जाता। ये वो केस होते हैं वहाँ पे हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको लग रहा हो कि जो पर्सन है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दबी हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, प्लस आप जो है ना उससे वो बातें जो हैं जान सकते हैं। इसके लिए एक मेडिसिन जो मैंने बताई थी वो थी स्टेपिसेग्रिया, जिसकी मैं यहाँ पर पिक लगा दूँगी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टेपिसेग्रिया मैंने 200 बोली थी, 2 ड्रॉप्स बोली थी आपको कि आपको दो बार देना है 2 ड्रॉप्स इन क्वार्टर कप ऑफ वाटर। तो स्टेपिसेग्रिया के बारे में आज हम बात करेंगे कि स्टेपिसेग्रिया एक्चुअली करती क्या है, इससे होता क्या है। होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है, उनमें से एक जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली और बहुत अच्छी मेडिसिन है स्टेपिसेग्रिया। जो स्टेपिसेग्रिया है इसका मेंटल जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंसीडर, यानी मोस्टली हम मेंटल कंसीडर करके ही स्टेपिसेग्रिया देते हैं, वैसे फिजिकल भी कंसीडर करते हैं। मेंटल की जब मैं बात कर रही हूँ तो उसका ये मतलब है कि जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं या लोगों की सोच, उनका व्यवहार, उनको गुस्सा कैसा आता है, उसके बारे में हम उनसे पूछते हैं और फिर उन्हें मेडिसिन देते हैं। तो मेंटल कंसीडर करने में ये मेडिसिन की मैं बताती हूँ कि कुछ कुछ क्या सिम्टम्स होंगे आपको उन लोगों में जो जिनसे आपको सच बुलवाना है, जिन्हें आप ये मेडिसिन देंगे तो उनमें और आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। एक वो जो इंसान होगा ना वो बहुत सेंसिटिव होगा, कोई भी उसे कुछ भी छोटा सा बोल देगा ना तो उसे बहुत बुरा लग जाएगा, वो उसी बात को दिल पे लेके बैठ जाएगा यार उसने मुझे ऐसा बोला कैसे, मतलब मैंने तो कोई गलती की नहीं, मैंने तो उसे कुछ कहा नहीं बट उसने मुझे ऐसा कैसे बोला। और फिर क्या होगा ना कि उसी के बारे में सोचता रहेगा और ये उसके बारे में वो चीज़ें सोच रही है, उसने इस कारण बोला होगा, अरे नहीं नहीं इस कारण उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसे बहुत सारे उनके अंदर कॉन्सिक्वेंस आने लगेंगे और ऐसे बहुत सारे थॉट्स आएंगे और कंटिन्यूसली एक के बाद थॉट्स आते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई एक है जिसके अंदर ये चीज़ है जो ऐसा बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत जल्दी चीज़ें ले लेते हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं एक छोटी सी बात का भी, हर्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, किसी की लोगों की आदत होती है आपको हर्ट करने की, आपको ऐसी बातें बोलने की, आपको बॉन्ड करने की उन बातों से, तो आप वहाँ पे मेडिसिन यूज़ करके अगर वो आपको नहीं बता रहे हैं कि किस बात का उनका बुरा लगा है, किसकी किस बात का, और उसके कारण वो सैड हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये मेडिसिन हम देते हैं। देन उसके बाद आते हैं कि इसमें और क्या होता है, तो ये जो इंसान होगा ना वो अचानक से कोई चीज़ फेंक देगा, अपना गुस्सा निकालना तो है कहीं ना कहीं, ओके, और गुस्सा जो है ना हर किसी का बर्स्ट आउट होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो रो के निकाल देते हैं, कुछ चिल्ला के निकाल देते हैं। तो स्टेपिसेग्रिया में क्या होता है, ये रोएंगे भी बट ये सबसे पहले अपनी चीज़ें फेंक देंगे, गुस्से में चीज़ें जो है ना ढक के फेंक देंगे कि हाथ में जो भी आएगा, अगर आप लेंगे तो आपको भी ढकेल देंगे, इस तरह की कम हो सकता है। जब उनका बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, मतलब जैसे हम देखें कि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करेंगे, वो दिल पे बात रख लेंगे और सैड रहेंगे, बट अगर बहुत हो गया है, बार 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 वही चीज़ें हो रही है, बहुत ज़्यादा हो गया है, इन दैट केस वो जो गुस्सा अंदर होता है ना वो बर्स्ट आउट होता है, और जब वो बर्स्ट आउट होता है तो गुस्सा आता है लोगों को और वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप खुद ही सोचिए आप एक बलून है जिसमें हवा भरते जा रहे, तो ऐसे उनके अंदर गुस्सा भरते जा रहा है। बट स्टार्टिंग में तुमने ठीक है कंट्रोल करके रख लिया, बट देन एक टाइम आएगा जब वो बलून की तरह से बस्ट होता है ना, वैसे वो बस्ट हो जाएगा, जब वो बस्ट होगा तो वो चीज़ें फेंक सकते हैं और लोगों को ढकेल सकते हैं या मार सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं।
उसके अलावा ये क्या करेंगे ना, ये खुद ही इमेजिन करने लगेंगे कि यार सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्या, और उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मतलब अपने बारे में तो ये इमेजिन कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये उन लोग जो लोग हैं इनके आसपास उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है इन लोगों में, वो होती है फ्यूचर को लेकर टेंशन। मतलब फ्यूचर को लेकर टेंशन की बात करूँ तो कैसी टेंशन, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, बट सब कुछ सही चल रहा है, सही जा रहा है या नहीं भी जा रहा है, थोड़ा भी ऑब्स्टिकल है, बट उसके बाद भी उनके मायने में यही बात आती रहेगी बार बार कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, मैं ऐसा चाहती थी, मैं ऐसा चाहता था, ऐसा नहीं हुआ है, तो इस तरीके के जो हैं वो चीज़ें आती रहेंगी। देन नेक्स्ट जो मैंने बताया कि वॉयलेंट जो है इसका एक आउटबर्स्ट होता है, मतलब कि गुस्सा जो है वो एकदम से एक बार बर्स्ट अप हो जाता है,